तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल धीमान फैमिली के एक नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं ब्लॉग आज बहुत टाइम बाद करने लगा हूँ क्योंकि हम लोग मतलब कि आपको पता चांदनी का प्राइमेंसी का टाइम था और फिर हमारे पीजी वगैरह भी आया, मतलब खाना वगैरह ये वो बहुत बिजी थे, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा ब्लॉग करने का। बट अब फिर से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करने लगा हूँ क्योंकि हमारे घर में आने वाले हैं, नया मेहमान आने वाला है, तो इसलिए हम लोग मतलब कि उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या तैयारियाँ करी हैं। और बस एक महीना रह गया है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना, तो बस यही था। और मैं बहुत टाइम से मतलब कि सोच रहा था ब्लॉग करने का बट टाइम नहीं लगा, तो चलो आज कर रहे हैं पैकिंग बच्चे के लिए, वो दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं कैसे नहीं। और बाकी सॉरी बहुत टाइम तक ब्लॉग नहीं आ पाया, जो लोग हमें फॉलो करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो अभी कंटिन्यूसली ब्लॉग आएंगे, मतलब कंटिन्यूसली डेली नहीं आएंगे बट एक एक ब्लॉग करके हफ्ते में एक दो बार ब्लॉग आया करेगा, तो धीरे धीरे करके फिर स्टार्ट करेंगे। बाकी चलो दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली ये जो हम पैकिंग करने लगे हैं, ये देखो इतना सारा सामान, और मिलाते हैं आपको चांदनी से। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक हो गए, बहुत टाइम बाद ब्लॉग करने लगे हैं तैयारियां। सो गाइज हम करने लगे हैं तैयारियां बच्चे के लिए, और न्यू बॉर्न मतलब मेहमान आ रहा है हमारे घर में, हमें पता नहीं है कि बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल है, बट हम सबसे ज़्यादा मतलब कि यही उम्मीद है कि हमारी लड़की हो, मतलब गर्ल्स हमें चाहिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी लड़का है, आपको बता दे आदि 6 साल का है। तो बाकी अभी कर रहा है पैकिंग, तो सो ये देखो बहुत सारा सामान लाए हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैग से। तो आदि का सामान है ये, जब आदि मतलब कि पैदा हुआ था तो उस टाइम पे हमने बहुत सारा जैसे टॉवल्स हैं ये, मतलब आदि का ही काफ़ी सामान निकला, हमने ये डिटॉल वगैरह लाए थे, धोधा के धूप धाप लगा के इसको अच्छे से निकाल लिया। बाकी ये देखो ये टॉवल्स हैं, ये भी है, और बाकी हम आज ना ये लेके आए हैं पैम्पर्स छोटे छोटे बच्चे के। ये बहुत ही छोटा सा निकला, मेरे हाथ से भी छोटा है। हाँ, और कुछ हम लोग वाइप्स लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए जो मतलब अभी हम बैग पैक कर रहे हैं क्योंकि चांदनी की जो डिलीवरी है वो डेट इन्होंने डाली है दिवाली का आसपास, आज है 21 और चांदनी का जो डिलीवरी डेट है वो है मतलब 10 को वो एडमिट कर लेंगे, है ना? हाँ। एडमिट कर लेंगे 10 को। हाँ, तो उसके बाद हम लोग तभी तैयारियां कर रहे हैं। ये देखो छोटी छोटी सॉक्स कितनी प्यारी लग रही हैं, एक हमने मतलब कि लड़के के लिए एक लड़की के लिए, कुछ भी हो जाएगा तो मतलब कोई वो दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने बोला ना लड़की हुई है तो आपने ये देना सेट, ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल सेट है, ये हैंड लूप है, ग्लव्स हैं, ठीक है, और ये इसकी छोटू सी कैप है, ये लड़की के लिए। हाँ, अगर उन्होंने लड़की बोला, हाँ बोले यार ये। तो गाइस हम सबसे ज्यादा हमें उम्मीद है कि हमारी लड़की हो, ये देना। अभी अगर लड़का हुआ तो हम लोग ये ब्लू वाला लेके आए हैं, ये देखिए ब्लू वाला सेट है पूरा, ठीक है, ये अलग है और ये लग है। अगर लड़की हुई हमारी तो हम ये पिंक वाला ना, ये पिंक वाला है और ये वाला है, और होगी तो ये पिंक देना और ये वाला। और हमने ये भी लिया है, मतलब कि इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब बच्चे डालने वाला, ये बच्चों की टोकरी है, ये खुल भी जाती है, और इसमें मतलब कि जैसे आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या बच्चे को नीचे, हाँ क्योंकि ठंड है अभी, आपको पता नवंबर का महीना है, मतलब आने वाला टाइम है वो, जब तक नवंबर का हो जाएगा। ये पजामे लेके जाने हैं, जो छोटे छोटे पजामे हैं, मतलब कि यूज़ करना है, डाइपर नहीं पहनाने भी नहीं एकदम से। और बहुत सारा सामान है, और ये बेड शीट है, मतलब कि ये है वाटर प्रूफ वाली, ये हमने दो मंगवाई हैं, वो भी बच्चे, एक लड़के के लिए एक लड़की का, कुछ भी हो गया तो ये वाली, ये पिंक वाली लड़की की, क्या लड़की की, ये लड़की की। तो इसमें क्या है कि अगर बाई चांस सुसु वगैरह कर दिया तो इसके नीचे ना शीट में जाता नहीं है बेड बोर्ड में, तो ये रखी है हमने एक, ठीक है, साबुन भी अलग अलग लिया है, पिंक लिया है, एक ब्लू लिया। तो गाइस देखो साबुन भी हमने अलग अलग लिया है, एक पिंक लिया, एक ब्लू लिया, और बहुत सारा सामान है, वाइप्स में भी ऐसे किया है, एक व्हाइट लिया, एक ब्लू लिया, वाइप्स तो वाइप्स होते हैं, पैकिंग तो अलग है ना। इसमें क्या था लिफाफे में, इसमें हैंकी है, इसके दो, ये दो हैंकी लिए हैं, फिर बहुत सारा सामान है, ये भी हैं गरम वाले, ये गरम भी लाए हैं हम लोग ना, तो इसमें भी मतलब पूरा सेट है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और घर लेके आएंगे ना, जब लड़की हो चाहे लड़का हो, जो घर लेके आएंगे तो उसको ये पहनाना है डांगरी सूट, ये वाला, इसमें वो लगे ना, बड़ा क्यूट है, मैं तो लड़की के हिसाब से लिया बट चलो जो भी होगा, तो ये डांगरी। तो गाइस आप सब लोग भी प्लीज प्रे करना कि हमारी लड़की हो, और हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद है, और कोटियां भी लेके आए हैं हम लोग, ये दिखाएं स्वेटर छोटी छोटी, ये गर्ल्स के लिए,
और ये बॉयज के लिए बड़ा क्यूट है यार। पांडा बनाओ इस पे ना, बहुत ही सॉफ्ट है। सो गाइस बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अब देखो हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल के ब्लॉग भी आएंगे और हम लोगों को टाइम भी नहीं लगा ब्लॉग बनाने का, मैंने खुद मिस कर दिया बहुत ज़्यादा। और काफ़ी सारा सामान है, अभी और भी सामान हमने रखा हुआ है लेके बच्चे के लिए, हम तैयारी कर रहे हैं पूरी, क्योंकि फिर चांदनी को हॉस्पिटल में अंदर एडमिट कर लेंगे और मुझे इतना नॉलेज नहीं है, और मेरी मम्मी भी आने वाले हैं हिमाचल से। तो चलो गाइस ये सामान था, बाकी आपको और दिखाते हैं, बहुत आधे का भी आधा सामान आधे का हमने धूप में डाला है सूखने के लिए बाहर, और ये है वो सामान है जो दो दिन काम आएगा हॉस्पिटल में, जिस दिन डिलीवरी हो जाएगी ना 2-3 दिन काम आएगा, ये वो सामान है। जो बाकी सामान होगा ना वो तो फिर हैंकी वगैरह लिए हमने, बाकी अभी कुछ अगर भूल रहे होंगे तो आप कमेंट करके बताना, बाकी अभी आपको पता ही है हमारा भी सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम पे भी हमें पता नहीं चला था, उस टाइम तो हमारे लिए सरप्राइज था, फर्स्ट बेबी था और मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या लेके जाना क्या करें, कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, तो ऐसे ही एडमिट कर लिया था, ब्लॉगिंग भी नहीं करते थे उस टाइम, मतलब इतना नॉलेज भी नहीं था, पहले पहले बच्चे का कुछ पता नहीं होता, तो अभी दूसरे के बारे में हमें बहुत नॉलेज आया इसलिए हम लोग पहले ही तैयारियाँ कर रहे हैं सब कुछ। और ये गाइस देखो ये पजामी है छोटी सी, और उसके ये सॉक्स के साथ पजामी, ये सॉक्स वाली पजामी है जिसमें सॉक्स लगी होती है, इसमें पैर नहीं मतलब बाहर आएंगे, इसकी कैप ये कैट वाली कैप है, क्यूट है ना, हाँ। और ये इसका छोटा सा बिब है ना, सही बात है, छोटा सा बिब है और ये ऊपर का टॉप, बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान बस ये लड़की दे यही पहनाना मैंने। तो गाइज हमें हमारे मतलब कि जो उम्मीदें हैं वो लड़की पे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि एक लड़का है ऑलरेडी और लड़की हमें, हमने पहले फर्स्ट भी सोचा था कि लड़की हो, क्योंकि फर्स्ट में मतलब लड़की ठीक रहती है घर में, लक्ष्मी आती है, तो बाकी चलो देखते हैं जो भगवान, सही बात है, चलो गाइज ये था अभी सेटअप, बाकी अभी तो पैकिंग करने लगे हैं बच्चे के लिए, वो मतलब ये आपको सारा सामान दिखा दिया हमने क्या है क्या नहीं है, बाकी आपको बाद में दिखाते हैं। और तुम क्या बोलना चाहोगे जानी? मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्रे करें कि मतलब अच्छा गर्ल्स हो, लड़की हो, गर्ल्स नहीं गर्ल, गर्ल्स नहीं गर्ल हो, ठीक है, और अच्छा सा मतलब सब कुछ अच्छे से निकल जाए, प्रे करें, और अगर कुछ भी बताना हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज हम बहुत टाइम बाद दोबारा अपना चैनल स्टार्ट करने लगे हैं तो सपोर्ट करें, थैंक यू, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब भी कर दें, और बाकी आपसे मिलते रहेंगे अभी क्योंकि ब्लॉग आने वाले हैं बहुत ज्यादा, और पहले उसके लिए सॉरी कि बहुत टाइम तक ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पुराने ब्लॉग भी पड़े हैं, मैं वो भी डालूंगा, बट अभी मेरे यही था कि बहुत ज़्यादा बिजी थे प्रेगनेंसी में, हॉस्पिटल, फिर घर में पीजी था, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल चल रहा था, कुछ थोड़ी बीच में चीज़ें मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल रहा, इस चक्कर में हम लोगों को ब्लॉगिंग करने टाइम ही नहीं लगा, तो दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें, और बैक टू बैक ब्लॉग आने वाले हैं हॉस्पिटल के बच्चे के, हम इस बच्चे के ब्लॉग बनाएंगे ताकि मतलब याद बनी रहे, और मतलब कि जब मतलब बड़ा होगा स्टार्टिंग से कैसे कैसे तैयारियां करी थी, कैसे क्या करा था ना, वो अपना मतलब पूरा देख पाएगा, है ना, तो वो हम इसलिए हर वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे ताकि वो अपने आप को देख पाए कि मेरा कैसे कैसे तैयारी हुई थी, कैसे क्या हुआ था, और हमें भी मतलब देख के अच्छा लगे, जैसे हम आदि के कपड़े देखते हैं ना पुराने, हमें कितना अच्छा लगता है ना कि हाय आदि ऐसा था छुटकू सा। सो गाइज आदि की जो मतलब कि आदि का बचपन था वो हमने मिस कर दिया, क्योंकि हमें मतलब उस टाइम ब्लॉगिंग का नहीं पता था, और ब्लॉगिंग कोई करता नहीं था, कैमरे भी मतलब ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल था, मैं कैप्चर भी नहीं करा कोई मोमेंट, इस बार हम प्रॉपरली कैचअप बोल रहा मैं, इस बार प्रॉपर हम उस चीज़ को मतलब कैप्चर करेंगे और वीडियोज बनाएंगे, फोटोज लेंगे, ताकि बचपन उसका याद रहे कि हमने कैसे कैसे तैयारी करी थी। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस चैनल पे आप सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अभी बस एक महीना रह गया प्रेगनेंसी जो हमारा डिलीवरी का टाइम है, और एक महीने के बाद आपको हमें मिलेगा मतलब कि पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, वो आपको बताएंगे और ब्लॉग आते रहेंगे। हाँ close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah. तो guys finally हमारा बैग हो गया पैक, और मैं आपको दिखाता हूँ बैग, सो ये देखो आप,
ये पूरा पैक कर दिया हमने, जितना भी सामान था इसमें, जो भी हमारे जरूरत का सामान था, बच्चे की जरूरत का, सिर्फ बच्चे का बैग है ये, और सारा कुछ इसमें, डायपर वगैरह और चांदी का बैग हम पैक करेंगे। और आदि भी स्कूल से आ गया है, और ये देखो आज नवरात्रे चल रहे हैं गाइस, तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, और दशहरा आने वाला जल्दी, और हमने नवरात्रि में ही बच्चे का बैग पैक कर लिया है, हमारी बच्ची का, लड़की हो बस, बाकी सब ठीक है। तो ये है, इसमें सब कुछ डाल चुके हैं हम लोग, डाइपर नाइपर सब कुछ है। तो चलो गाइस, बाय बाय बाय। तो गाइस, हम सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद है कि हमारी लड़की हो,